नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ बीएनएन न्यूज़ इशफाक अहमद चनर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हस्पताल का डॉक्टर्स का विजिट, मुजफ्फरगढ़ से एमएचडीए सदर डॉक्टर मोहम्मद फहीम, नायब सदर डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, डॉक्टर समी फहीम, ओकाड़ा से डॉक्टर एजाज अंजुम खोखर, वाह कैंट से डॉक्टर बनारस खान, जहानिया से डॉक्टर गुलाम फरीद मदनी और उनके साथी, खानवाल से डॉक्टर गुलाम अब्बास सिद्दीकी, डॉक्टर हाफिज अताउर रहमान फारूकी और उनके साथियों ने विजिट किया। प्रिंसिपल डॉक्टर फरीदुल हक कुरैशी ने तमाम डॉक्टर्स को वेलकम किया और अपने इदारे का विजिट करवाया और कहा ये इदारा 1980 में जनूबी पंजाब में होम्योपैथिक तरीका इलाज के शमा रोशन करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मिसबाउल हक ने यह इदारा कायम किया। मजीद एमएचडीए सदर डॉक्टर मोहम्मद फहीम और डॉक्टर एजाज अंजुम खोखर ने कहा कि हम सब प्रिंसिपल डॉक्टर फरीदुल हक कुरैशी को जनूबी पंजाब में होम्योपैथिक की खिदमात पर मुबारकबाद पेश करते हैं।